तो दोस्तों आज हम आप लोगों को 3008 AC कंट्रोलर से पोर्ट निकालने के लिए बताएंगे कि इससे पोर्ट कैसे निकलेगा। हम इससे 5 पोर्ट निकालेंगे, इसमें 8 पोर्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसमें 8 पोर्ट दिया हुआ है और इसे हम 5 पोर्ट आप लोगों को निकाल के दिखाएंगे। जो हम बोर्ड बनाए हुए हैं 3D गेट, उसी में यह कंट्रोलर लगेगा, यह AC कंट्रोलर है और हम इससे 5 पोर्ट निकालेंगे। आपको दिखाएंगे कि 5 पोर्ट जो है कैसे निकलता है। इस जगह से हम 5 पोर्ट निकालेंगे और यहाँ मेमोरी कार्ड लगता है। तो चलिए हम आप लोगों को इससे 5 पोर्ट निकाल के दिखाते हैं। यह 3008 AC कंट्रोलर है जो कि इस पे आपका 8000 LED बल्ब लोड लेगा। तो चलिए इसे हम आप लोगों को पोर्ट निकालने के लिए क्या लगेगा इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इससे पोर्ट निकालने के लिए हमें वायर चाहिए, तो हम वायर ले लिए हैं। इस वायर को हम 5 टुकड़ा में कटिंग करेंगे और इससे पोर्ट निकालेंगे। और पोर्ट किस प्रकार से निकलता है तो इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। और यह मेमोरी कार्ड है जो कि 1 GB का है, यह भी आप लोगों को हम लगा के दिखाएंगे इसमें जो है किस तरह से लगता है। तो चलिए पहले हम आप लोगों को पोर्ट निकाल के दिखाते हैं कि पोर्ट इससे कैसे निकलेगा। इसमें 5 पोर्ट हम निकालेंगे, इसमें 8 पोर्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों हम 5 वायर काट के अलग कर दिए हैं और इसे छील भी दिए हैं। और अब इस पोर्ट में हम आप लोगों को लगा के दिखाएंगे इस पोर्ट में कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे हम लूज कर देंगे, पोर्ट नंबर वन हम लूज कर दिए। पोर्ट नंबर 2 का भी हम लूज कर देंगे, तो लूज कर दिए हैं। तो इस तरह से पोर्ट नंबर 5 तक का पेच को हम लूज कर देंगे। तो लूज करने के बाद आप देख सकते हैं इस जगह हम वायर लगाएंगे 5 पोर्ट में। तो 5 पोर्ट का वायर हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हम जो है पोर्ट नंबर 1 में लगा दिए हैं। अब पोर्ट नंबर 2 में भी हम लगाएंगे। आप ये निशान जो देख रहे हैं यह पोर्ट नंबर 1 है और इस निशान के बाद पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3 है, पोर्ट नंबर 4 है। तो इसी तरह से हम आपको 5 वायर लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों हम इसमें 5 पोर्ट निकाल दिए, आप देख रहे हैं कि इसमें 5 वायर हम लगा दिए हैं। तो 5 पोर्ट का वायर जो हम बाहर निकाल दिए। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं एक पोर्ट में 3 वायर लगाने वाला है, तो आप किसी में भी वायर लगा के पोर्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से 3008 AC से पोर्ट निकाला जाता है। तो चलिए इसमें हम आप लोगों को 1 GB मेमोरी कार्ड भी लगा के दिखाते हैं कि 1 GB मेमोरी कार्ड जो इसमें कैसे लगेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें हम 1 GB मेमोरी कार्ड आप लोगों को लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगता है। तो इस जगह दोस्तों मेमोरी कार्ड लगेगा, तो इसको इस तरह से इसमें लगा देना है। यह दोस्तों लग गया। तो इसी प्रकार से मेमोरी कार्ड और पोर्ट निकाला जाता है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को 3008 AC से पोर्ट निकालने के लिए बता दिए हैं कि पोर्ट कैसे निकलता है। और यह AC लाइन है दोस्तों, यह DC नहीं है, AC लाइन में है। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।